पंचम अध्याय विनियोग ओम अक्षसी उत्तर चैत्र शुद्ध श्री महासरस्वती देवता अनुष्ठुप छंदा भीमा शक्ति भ्रामरी बीज मधु सूर्य सतम सामवेद स्वरूप महासरस्वती पीठिका उत्तर चरित्र पाठे विनियोग ध्यान ओम घंटासू लहनने शंख मुसले चंक्रम धनु सायक हस्ताब जय धनांत बल सचिता सुतल परवां गौरी देव मधुभाम चरित्र जगता माधारभूता महापूर्वाम सरस्वती मनोविजय सुम्भादि दैत्यादिनी ओम क्लीं ऋषिवाजपुराशुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम सजीपते सलोक्यम यज्ञभागस्य हृता बंदबला श्रिया तावैव सूर्य ताम तद्धिकारं तथेन्द्रं कौबेरमत्यं च चक्राते वरुणस्य च तावैव पवनिर्धिं च चक्रतुर्वहिनिकर्म च ततो देवाभिनिर्धुतं भ्रष्टा जपाजिता हृताधिकारस्य दशासाभ्यं सर्वे निराकृतां महाश्रभ्यां तां देवीं च स्मरति पराजितां दैष्मकां वरोदतो यथा पतु स्मृता किल भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षण क्षणात् परमापदा इति कीर्तामतिं देवा हिमन्तं नगेश्वरं जगमुत्तस्ततो देवीं विष्णुमायां पुतुष्टवो देवी उवाच ओम नमो देवी महादेव शिवाय शतन नम प्रकृति नमुत्र गौरी धाते नमो चंद्रपण सुखाए तथा नम कल्याण पड़ता कुर्मु नमो नैता भूपत लक्ष्मण सर्वाण ते नमो दुर्गा दुर्गा पारा सर सर्वकारिण्य ख्याते तथा किणाय धूमराय सतम अति सोम तिरोद्राय नता तथे नमो नमो जगुप्त देवी कृते नमो नम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमा इति शब्दिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु चेतनी देवी देते नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु मातिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नमो नम इंद्रियाणाम अधिष्ठाति भूतनाम चाप्लेक्षया भूते सत्यं तस्य व्याप्ति देवी नमो नम चित्तरूपेण कृतस्मृतद्व्यापेक्षित नमस्त शे नमस्त शे नमस्त शे नम स्थित सुरपुरभिया तथा सुरेन्द्रविदेशुशुभ करोतु तान सुभित शुभ्राणि भद्राणि मेन्दु चापद या संपदां चोदयति नमस्यते यमृता न सर्वपद भक्त विनम्रमुषिवाच एवं स्तवा वियुक्तना सेवा तत्र पावे स्थानुमभ्यो तो है जहन्यम निर्पनंदन साब्रवीतान सुरा शुभूर्भवद्भी क्षेत्र का शरीर कोशमुद्भूता ब्रवीशिवा सतो स्त्रे शुभदैत्य निराकृत देवे शमित समृ निशुमेन पराजित शरीर को साधतश पार्व चाहताबिका कौशिकी समस्त तो तथो लोकेशु गीये तस्या विनर्गतायां तो कृष्णा भूषा पार्वती काली समस्त हिमाचल कृता से तथोबिका परम रूपम विभ्राणम च मनोहरम ददर्श चंडो मुंडस्य भृत्यो शुंभनिशुंभय ताभ्यं शुंभय चटकातीयो च मनोहरा काप्यसीति महाराजं वाचयन्ति हिमाचलम् तन्नैव ताद्रिक वचिदुकं दुष्टं के नचि दुतमं के जायतं कापिशो देवी गृहतां चात्रेश्वर इति रते मति चार्वांगी द्योतयन्ति इति सत्यशाश्वत तिष्ठेति दैतेन्द्रतां ब्रह्मां दर्शमर्हति यानि रत्यानि मणियो गजाश्वदिन व्या प्रभो त्रैलोक्यं तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति गृहे ऐरावतं वता समानितो गजरतं पुरन्दरात् पारिजात तरुक्षायं तथा भोज्य श्रवा या हनुमानं हन्त संयुक्तमेतति रत्नभूतमिहानितं यदासी द्वेद शोद्भुतं निदेश महापद्मं समानितो धनेश्वरात् किञ्चित् क्लिन्दतो चाप्थिर्माला ममलान् पङ्कजां छत्रं देवारुणं गेहि काञ्चन शश्राविष्ठति तथा यम चंदवरो यह शुभपुरासी प्रजापते मृत्यो रुद्रांतिदानम शंकर त्वया रिता पाशा सलिला जैसे भ्रातुस्त परिगृहते निशुंभास की अब्धि जाता से समस्त रत्न जाते बहनी रपित दो तो भी मग्न सोचे चवाशी एवं देते रत्न समस्त अन्यास्ता ते ऋषि रतमीश कल्याणी त्वया कश्मा निगृह ते ऋषि निशम वच शुंभा शतदा चंड मुंडो प्रेषम सुग्रीय दूतम देव्य महाशुरम इति चेति च वक्त्यवशा गत्वा वचना मम यथा चाबेति संप्रे
संहिता तथा कार्यम त्वया लघु सतत्र गत्वा हतराष्ट्र थैलो देशे देशोऽपि नासा देवीं ताम तथा प्रहास लक्ष्मण मधुर्याग्रदूत उवाच देवी दैत्येश्वर सुम्भस्य लोके परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्त्वकाशमहागता अभ्यः काव्या सर्वासु यः सदा देवयो निशि निर्जिता अखिलदाचारी स यद्रा शरुणस्य तत् मम त्रिलोके मखिलं मम देवा वशानुगा यज्ञा भागानां सर्वानुपाशनामि पृथक् पृथक् लोके वरदत्नानि मम वत्स्यान्य शेषता तथा वज्रतम च ऋत्वा देवी निर्वहनं शिरोद मतनोद्भूतमश्वरत्नं ममामृते उच्चे सर्व संज्ञा तत् प्रणिपति समर्पितम् ज्ञानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मह्ये विशोभने इति रत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सत्त्वमश्मानुपागच्छेतो रत्नभुजो वयं मां वाम मानुजं वापि निशुम्भं गुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गिं नृसिंहस्य यथा परमेश्वरीय मतलं प्राप्यष्यसि मत्प्रकृता एतत् बुद्धि असमालोच्य मत्प्रकृतां प्रजारिषु वाचि इत्युक्तास्यदा तदा देवी गम्भीरान्तस्मितौ जगतो दुर्गा भगवती भद्रायायितं धारति च देवी वाचि सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चि एतो योजितम् त्रिलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भाश्चापि तादृश किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्रेते कथं श्रूयमां श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जेत् संग्रामे यो मे दर्पं विभवति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गजत् शुम्भोऽत्र निशुम्भो वामाश्रमां जिता किं चिरेन्द्रपाणिं गृह्णातु मे लघुदूत उवाच अभिलेतासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृता त्रिलोक्यं चे पुमांस्तिष्ठे दग्रे निशुम्भयो अनेशा विद्यचानं सर्वे देवान वैदिन तिष्ठन्ति चमुखे देवी किं पूर्णः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या शकला देवस्त स्थूर्येषां न संस्कृत संवादिनं कथं तेषां स्त्री प्रयास तेषां मुखं सा त्वं गच्छमयेव पार्श्वं शुम्भ निशुम्भ केशाकर्षण निर्दूर गौरवा मा गमिष्यसि देवि उवाच एवमेतद् बलि शुम्भो निशुम्भ चापि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिति पुरः स त्वं गच्छमयोक्तं ये ये यदेतत् सर्वा मादृता तदा चक्षा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् श्री श्री मार्कण्डेय पुराणे सामन्त मन्वन्तरि देवी मात्मने देवदूत चमोदनाम पञ्चमोऽध्यायः।